हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एग्रोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वीड्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? तो जेथ्रो टूल। जेथ्रो टूल इज़ द फादर ऑफ वीड साइंस। ठीक है, नाउ वीड्स क्या होते हैं? तो कोई भी ऐसा प्लांट जो अनवांटेड है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उन प्लांट्स को वीड्स बोला जाता है। Any plant which is unwanted, ठीक है, any plant growing out of place and out of time where it is not required is called as weed। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा प्लांट जिसको फार्मर ने फील्ड में ग्रो नहीं किया है लेकिन वो खुद ही ग्रो हो गया है, तो उस प्लांट को हम वीड बोलेंगे। नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ वीड्स के हैं जो हम जनरली कहीं पर भी जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है। जैसे दिया है, फर्स्ट है पॉइजन सुमैक, देन क्रैप ग्रास, देन लियॉन, जाइंट वीड एंड देन बथुआ। ये सारे वीड जो है ये हमें कॉमनली कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वीड्स। तो वीड्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? ठीक है, तो पहला है फूड फॉर ह्यूमंस। तो कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जिनको हम फूड के तौर पर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चिनोपोडियम एल्बम, जिसको हम भाजी के तौर पर खाते हैं। ठीक है, उनकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इस वजह से हम उसे कंज्यूम करते हैं। देन फीड एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। तो कुछ वीड्स जो होते हैं जैसे कि अमरैंथस विरिडिस और इकाइनोक्लोआ कोलोना, इनको हम फॉडर के तौर पर कैटल्स को फीड देते हैं, कैटल्स को देते हैं। तो ये सारे जो वीड्स होते हैं इनको हम फीड एंड फॉडर के तौर पर यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो कुछ ऐसे बीड्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं उनमें सॉइल बाइंडिंग एबिलिटी होती है, मतलब वो मिट्टी को बांध कर रखने की क्षमता रखते हैं, इस वजह से वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इसका एग्जांपल है साइनोडॉन डैक्टिलॉन और एग्रोपाइरोन रेपेंस। देन नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योरिंग, कंपोस्टिंग एंड मल्चिंग। तो कुछ बीज जो होते हैं उनको हम ग्रीन मैन्योर कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं और मल्चिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कुछ बीज जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो इसको यूज़ कर सके। इसका एग्जाम्पल है मेलीलोटस इंडिका और मेलीलोटस एल्बा एंड मेडिकागो डेंटिकुलाटा। ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूज एज इकोनॉमिकल वैल्यू। तो कुछ बीज जो है उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, जैसे कि चिकोरियम इंटाइबस। ये हम कॉफ़ी में फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी में जो फ्लेवर होता है वो किसकी वजह से होता है? चिकोरियम इंटाइबस। देन साइपरस रोटंडस जो होता है उसको हम अगरबत्ती बनाने के लिए, इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन रूफ, जो रूफ बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम सैकरम स्पॉन्टेनियम का यूज़ करते हैं। देन मेंटेन सॉइल पीएच। तो कुछ बीज जो होते हैं वो सॉइल के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आर्जेमोन मैक्सिकाना को हम एल्कलाइन सॉइल में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए। देन रूमेक्स स्पीशीज़ को हम एसिडिक सॉइल में यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे बीज जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के, जैसे कि चिनोपोडियम एल्बम जो होता है वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। जब उसकी लीव्स जो है डल या डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, इसका मतलब फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है। देन सोलैनम निग्रम या फिर यूफोर्बिया पेपल्स, ये जो बीड्स हैं वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती हैं। जब लीव्स येलोइंग शो करेंगी, इसका मतलब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। देन मेडिसिनल वैल्यू। तो कुछ वीड्स जो होते हैं उनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, उनको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्जेमोन मैक्सिकाना जो होता है उसको हम स्किन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ल्यूकस एस्पेरा को स्नेक बाइट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जब सांप काटता है तो हम ल्यूकस एस्पेरा को यूज़ किया जाता है। देन स्ट्राइगा स्पीशीज़ को डायबिटीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वीड्स हैं जिनकी काफ़ी अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। देन वीड्स एज रिसर्च और जेनेटिक मटेरियल। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं, जैसे कि सैकरम स्पॉन्टेनियम को शुगर केन क्रॉप ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। शुगर केन क्रॉप ब्रीडिंग पर्पस के लिए सैकरम स्पॉन्टेनियम को यूज़ किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल वैल्यू। कुछ बीज जो होते हैं हम उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गार्डन में, लॉन वगैरह, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं? साइनोडॉन स्पीशीज़, साइनोडॉन स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है, लेंटाना कैमरा को यूज़ किया जाता है, ईकॉर्निया क्रासिप्स, ये इन सारे बीड्स की जो है ना ऑर्नामेंटल वैल्यू होती हैं, ठीक है। फिर कुछ जो बीड्स होती हैं उनको वाटर क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन वाटर क्लीनिंग, जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर ह्यासिंथ। वाटर ह्यासिंथ को हम बोलते हैं ईकॉर्निया क्रासिप्स, ठीक है, हिंदी में जल कुंभ भी बोला जाता है। ये हैवी मेटल जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं, हैवी मेटल, उनको क्लीन करने में, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन कुछ बीड्स जो होती हैं ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती हैं सॉइल में, ठीक है, एग्जाम्पल है अमेरेंथस विरिडिस, ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। देन पॉल्यूशन कंट्रोल, तो कुछ बीड्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी हेल्प करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जैसे हो गया इकॉर्निया क्रासिप्स, ये हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, लेड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इन सारी को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं फाइटो रिमेडिएशन और बायो रिमेडिएशन प्रोसेस के लिए इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में, ठीक है। नेक्स्ट है चिनोपोडियम एल्बम, जो होता है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो एमिशन होता है ना फैक्ट्री से जो H2S और SO2 गैस निकलती हैं, उनके लिए पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। देन मटेरियल्स फॉर कॉटेज, कुछ बीज जैसे कि टाइफा एंगुस्टाटा जो होते हैं, इनको स्क्रीन्स और मैट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन सोर्सेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, जैसे कि एग्जाम्पल है प्रोटोलेरिया स्पीशीज़ और पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस, इनसे कुछ एलिलो केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फ्यूल, फाइबर एंड डाई, सॉरी वहाँ पे डाई होगा DYE, जैसे कि जट्रोफा जो है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए एक बायोडीजल का सोर्स है। देन कुछ ऐसे बीज होते हैं जो डाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रैप्स फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजन, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो बीड्स होते हैं वो कुछ इंसेक्ट पेस्ट और पैथोजन को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप के जो बीड्स होते हैं इनको हम इंटेंशनली, जानबूझकर एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो उनके लिए ट्रैप का काम कर सके, ठीक है। देन उस प्लांट को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो कुछ ऐसे बीड्स होते हैं जिनको हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस के तौर पर यूज़ करते हैं, पूजा वगैरह में यूज़ किया जाता है, जैसे कि साइनोडॉन डैक्टिलॉन, धूप घास को यूज़ किया जाता है पूजा में, धतूरा को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ वीड्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, देयर विल बी पॉलिनेशन, ओके, वीड्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। कुछ वीड्स जो होते हैं वो कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हनी बी, मॉथ, इन सारों को अट्रैक्ट करते हैं और उनके लिए होस्ट का काम करते हैं। तो ये जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है देन पॉलिनेटर के तौर पर काम कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए। ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके लिए पॉलिनेटर का काम करेंगे फिर, ठीक है। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, तो अब तक हम लोग देखें वीड्स का डेफिनेशन क्या होता है, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब वीट को क्लासिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, जो वीट का लाइफ साइकिल होता है वो कितने टाइम पे कंप्लीट करते हैं उसको, उसके बेसिस पर हम वीट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किए हैं, एनुअल वीट्स, बाइनियल वीट्स एंड पेरेनियल वीट्स। एनुअल वीट्स मतलब नाम से ही क्लियर है, जो अपना लाइफ साइकिल को 1 साल या 1 सीज़न में कंप्लीट करते हैं उनको हम एनुअल वीट्स बोलते हैं, ठीक है। बाइनियल वीट्स मतलब जिनको कम से कम 2 साल लगता है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। पेरिनियल वीट्स मतलब जिनको 2 साल से ज़्यादा लगता है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तब इसको डिटेल में देखते हैं। एनुअल वीट्स में आता है खरीफ एनुअल्स या फिर खरीफ वीट्स, ऐसे वीट्स जो खरीफ सीजन में ग्रो होते हैं और उसी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है दूधी, कॉक्सकॉम और पार्थीनियम। देन है रबी एनुअल्स एंड या फिर रबी वीट्स, तो ऐसे वीट्स जो अक्टूबर या नवंबर से लेकर फरवरी के टाइम पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, उन वीट्स को हम रबी एनुअल्स या फिर रबी वीट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है चिनोपोडियम एल्बम और वाइल्ड ओट। नेक्स्ट है समर एनुअल्स या समर वीट्स, तो ऐसे वीट्स जो अपना लाइफ साइकिल फरवरी से मार्च तक कंप्लीट कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं समर एनुअल्स या फिर समर वीट्स। इसका एग्जाम्पल है अमेरेंथस स्पीशीज़ और यूफोर्बिया स्पीशीज़। फिर नेक्स्ट है एनुअल के बाद बाइनियल, तो तो ऐसे बीज जो जिनको 2 साल लगता है या 2 सीज़न लगता है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ को फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करते हैं और फिर फ्लावर्स और सीड का प्रोडक्शन सेकेंड ईयर में करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन में करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाइल्ड कैरोट और वाइल्ड अनियन, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेनियल वीट्स, तो वो अपना ग्रोथ जो है 2 साल से ज़्यादा में कंप्लीट करते हैं या कई साल उनको लगते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ऐसे बीज को हम बोलते हैं पेरेनियल बीज। नेक्स्ट बेसिस है कॉटिलेडन के बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू कॉटिलेडन कि बीज के सीड में कितने कॉटिलेडन प्रेजेंट हैं। तो उसमें पहला है मोनोकॉटिलेडनस, तो सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा तो मोनोकॉटिलेडन, ठीक है। तो ऐसे जो बीज होते हैं उनका जो लीव्स होता है वो नैरो होता है, नैरो लीफ होता है, और ये जनरली जो होते हैं वो ग्रासी बीज होते हैं। एग्जाम्पल है साइनोडॉन डेक्टिलॉन। नेक्स्ट है सेजेस। सेजेस का जो स्टेम होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है और इसमें जो भी बीज आते हैं वो जनरली साइपरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जो ग्रासी बीज होते हैं वो जनरली ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइकॉटिलेडनस। इनका जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड लीफ होते हैं, ठीक है। 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट है तो डाइकॉटिलेडनस, और इनकी लीव्स कैसी होंगी तो ब्रॉड लीव्स होंगी। इसका एग्जाम्पल है चिनोपोडियम एल्बम। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रूट सिस्टम कि जो वीड्स है उनका रूट सिस्टम कैसा है, ठीक है। अगर जो रूट है वो शैलो होगा, मतलब ज़्यादा गहराई तक प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो शैलो रूटेड पेरेनियल्स हो गया। दोज पेरेनियल्स वीड्स हैविंग अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर डीप रूट सिस्टम, उनका जो रूट सिस्टम है वो 20 से 30 सेंटीमीटर तक होगा, तो वो शैलो रूट पेरेनियल के कैटेगरी में आएंगे। इसका एग्जाम्पल है साइनोडॉन डेक्टिलॉन और क्वैक ग्रास। क्वैक ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है? एग्रोपायरन रेपेंस। नेक्स्ट है डीप रूटेड पेरेनियल्स, तो ऐसे बीज जिनका जो रूट है वो 1 मीटर या उससे ज़्यादा रहता है, तो वो डीप रूटेड पेरेनियल्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल है नट ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है साइपरस रोटेंडस, और जॉनसन ग्रास, जिसको बोलते हैं सोर्गम हेलेपेंस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब किस प्लेस में वो वीड्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। पहला है इसमें क्रॉप्ड लैंड वीड, तो ऐसे वीड्स जो क्रॉप्ड लैंड में आ रहे हैं, जैसे हमने राइस की फील्ड में जो वीड्स आ रही हैं, वीट के फील्ड में जो वीड्स आ रही हैं, तो उन वीड्स जो क्रॉप्ड लैंड में आती हैं, जैसे कि स्ट्राइगा, ओरोबैंकी, वाइल्ड राइस, ये सारी कहाँ आती हैं तो क्रॉप्ड लैंड में आएंगे। नेक्स्ट है पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड वीड्स, तो ऐसा एरिया जहाँ पर जो कैटल्स है वो ग्रेजिंग करते हैं, जो ग्रेजिंग लैंड है, पास्चर लैंड है, उस लैंड में जो वीड्स आएंगी उनको हम बोलते हैं पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड वीड्स, जैसे कि पार्थेनियम। नेक्स्ट है एक्वेटिक वीड्स, जो वीड्स वाटर में ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल वाटर हयासिन। देन फैलो लैंड वीड्स, जो खाली मैदान में, ऐसे वीड्स जो ओपन एरिया, जो खाली मैदान होगा जहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं किया हुआ है, वहाँ पर जो वीड्स ग्रो होंगे उनको बोलेंगे फैलो लैंड वीड्स। देन नेक्स्ट है नॉन क्रॉप्ड और इंडस्ट्रियल वीड्स, तो ऐसे वीड्स जो क्रॉप्ड एरिया में नहीं ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के साइड पर, रोड साइड पर ग्रो कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। देन फॉरेस्ट एंड वुडलैंड वीड्स, तो ऐसे वीड्स जो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, वुडलैंड एरियाज़ में ग्रो कर रहे हैं, वो आ जाएंगे इस कैटेगरी में। देन लॉन एंड गार्डन वीड्स, तो गार्डन में जो वीड्स ग्रो कर रहे हैं, लॉन एरिया में जो वीड्स ग्रो कर रहे हैं, उनको बोलते हैं लॉन एंड गार्डन वीड्स। नेक्स्ट है ऑर्चार्ड एंड वाइनयार्ड वीड्स, तो ऑर्चार्ड एरिया में जो वीड्स ग्रो करेंगे वो ऑर्चार्ड एंड वाइनयार्ड वीड्स होंगे। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप वीड्स, तो प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि चाय, कॉफ़ी, नारियल का जो बगीचा हो गया, इन सारे एरियाज़ में जो वीड्स आएंगी वो होंगी प्लांटेशन क्रॉप वीड्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ वीड्स, वीड्स कहाँ पर ओरिजिन हुए हैं, उनका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग पर क्लासिफाई किया गया है। तो पहला इंट्रोड्यूस्ड वीड, इंट्रोड्यूस्ड वीड को हम एग्जॉटिक वीड्स भी बोलते हैं, एलियन वीड्स या फिर एंथ्रोफाइट्स, इनके ये अलग अलग नाम्स हैं, इनके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे वीड्स जो बाहर से इंट्रोड्यूस हुए हैं, मतलब कहीं उनका ओरिजिन प्लेस कहीं और था और वो वहाँ से किसी रूप में ट्रैवल करके आए हैं, जैसे कि सीड से या किसी और वेजिटेटिव पार्ट से, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर्स, इन सारी के वजह से वो दूसरे प्लेस में ग्रो कर रहे हैं, तो उन सारे बीड्स को हम बोलते हैं इंट्रोड्यूस बीड्स या फिर एलियन बीड्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ नहीं था, वो कहाँ से आया है, यूएसए से, उसका ओरिजिन प्लेस यूएसए था, यूएसए से वो बाकी जगह में ग्रो हुआ है। देन लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा श्रीलंका से आया है। ओके, देन नेक्स्ट है इंडिजीनियस और नेटिव वीड्स, मतलब जहाँ उसका ऑरिजिन है वहीं पर वो ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि कॉक्स कॉम्प दूधी, ठीक है, जहाँ ऑरिजिन है वो वहीं ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एलियन बीट्स ऐसे बीट्स हो गए जो उनका जहाँ पे ऑरिजिन नहीं है, जहाँ पे उसका ऑरिजिन था वहाँ से किसी फॉर्म में ट्रैवल करके आए हैं, ठीक है, तो वो हो गया इंट्रोड्यूस्ड बीट्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रॉप वीड एसोसिएशन, क्रॉप वीड का एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। इससे पहला है सीजन बाउंड वीड, तो ऐसे वीड जो सीज़न के लिए स्पेसिफिक हो, मतलब अगर वो ठंड में आ रहे हैं तो वो ठंड में ही आएंगे, गर्मी में आ रहे हैं तो वो गर्मी में ही आएंगे, और जो बारिश में आ रहे हैं वो बारिश में ही आएंगे, वो सीज़न के लिए स्पेसिफिक हैं। जैसे कि चिनोपोडियम एल्बम जो कि विंटर सीजन वीड है, तो वो विंटर सीजन में ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है क्रॉप बाउंड वीड, तो ऐसे वीड्स जो पैरासिटिक होते हैं और क्रॉप पर डिपेंडेंट होते हैं, उनका जो होस्ट प्लांट होगा वो उस पर डिपेंडेंट रहेंगे पूरी तरह से या कुछ हद तक, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन के लिए वो अपने होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, उन पर पैरासिटिक तौर पर रहते हैं, तो ऐसे वीड्स को हम बोलते हैं क्रॉप बाउंड वीड। नेक्स्ट है क्रॉप एसोसिएटेड वीड, तो क्रॉप एसोसिएटेड वीड भी एक तरह से क्रॉप बाउंड वीड ही होते हैं, लेकिन जो क्रॉप एसोसिएटेड वीड होते हैं वो किसी दूसरे रीजंस की वजह से क्रॉप के लिए स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जो क्रॉप बाउंड वीड होते हैं वो पूरी तरह से या कुछ हद तक अपने होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप एसोसिएटेड वीड में किस किस रीजन पर वो अपने होस्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो देखते हैं। नीड फॉर स्पेसिफिक माइक्रो क्लाइमेट, तो कुछ वीड जो होते हैं उनको शेडी, कूल और मॉइस्ट हैबिटेट चाहिए होता है, उनको रहने के लिए शेडी, छायादार, ठंडा और मॉइस्ट हैबिटेट चाहिए होता है, जैसे चिकोरियम इंटाइबस, ये ल्यूसर्न और बरसीम में ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसको शेड प्रोवाइड करते हैं, कूल क्लाइमेट, मॉइस्ट हैबिटेट, ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए ये ल्यूसर्न और बरसीम में ही आते हैं। नेक्स्ट है मिमिक्री, तो कुछ ऐसे वीड्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अपने होस्ट प्लांट से पूरी तरह से सेम दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि फैलारिस्माइनर, जिसको हम बोलते हैं गेहूँ का मामा, वो वीट में आता है और वो फ्लावरिंग तक पूरा अपना वीट के जैसा ही दिखता है, वीट के जैसा वो पूरा सेम दिखेगा, ओके। और है एविना फैटुआ इन वीट, ये सारे मिमिक्री वीड्स हो गए। फिर नेक्स्ट है रेडी कंटामिनेशन ऑफ क्रॉप सीड, तो ऐसे वीड्स जो हमारा जो मेन क्रॉप है उसके हाइट तक ग्रो करेगा और उसी टाइम पे फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा और सीड्स प्रोड्यूस करेगा, सेम हाइट पे, सेम टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा जो क्रॉप है वो मैच्योर हो रहा है, वो फ्लावरिंग कर रहा है और सीड का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो इस वीड्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट वीड, तो फैकल्टेटिव वीड्स ऐसे वीड्स होते हैं जो अनडिस्टर्ब्ड लैंड में रहते हैं, मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे कल्टीवेटेड एरिया नहीं है, जो ऐसी खाली पड़ा है जो एरिया, वहाँ पर जो वीड्स ग्रो कर रहे हैं वो फैकल्टेटिव वीड्स होते हैं। लेकिन कभी कभार ये क्या करते हैं कि जो कल्टीवेटेड फील्ड है उसमें भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। जनरली ये किस में होते हैं, अनडिस्टर्ब्ड लैंड में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है कैक्टस। ऑब्लिगेट वीड कैसे होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं फैकल्टेटिव वीड्स के। कैसा, तो ये कल्टीवेटेड फील्ड में ग्रो होते हैं जहाँ पर लैंड को हम कंटिन्यूसली डिस्टर्ब करते रहते हैं, टिलेज ऑपरेशन, इंटरकल्चरल ऑपरेशन, कुछ ना कुछ करते हुए हम लैंड को जहाँ पर डिस्टर्ब करते रहते हैं, कल्टीवेटेड लैंड है, वहीं पर ये ऑब्लिगेट वीड ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल है इसका कॉन्वल्व्यूलस आर्वेंसिस। कॉन्वल्व्यूलस आर्वेंसिस ऑब्लिगेट वीड का एग्जाम्पल है, और फैकल्टेटिव वीड का एग्जाम्पल क्या है, कैक्टस। नेक्स्ट वन इज़ नॉक्शियस एंड ऑब्जेक्शनेबल वीड, तो ऐसे वीड्स जो कि अनडिज़ायरेबल हैं, जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी काम के नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करते हैं, और उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उनको हम ईजिली कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे वीड्स को नॉक्शियस बोलते हैं। नॉक्शियस मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाले, कंट्रोल करने के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं और अनडिज़ायरेबल होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पार्थेनियम, स्ट्राइगा, ओरोबांची एंड वाटर हयासिन। ओके, देन ऑब्जेक्शनेबल वीड, तो ऐसे वीड्स जिनके सीड्स जो होते हैं वो जब एक बार क्रॉप के सीड से मिक्स हो गए तो उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। वो बिल्कुल क्रॉप के सीड जैसे ही दिखेंगे उनके सीड, और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे जो वीड्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड। इसका एग्जाम्पल है आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड के सीड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, देन वाइल्ड अनियन इन कल्टिवेटेड अनियन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बीज का डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए और एग्रीकल्चर के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।